और ये मेरा हथियार, इससे जा रहे हैं सफाई करने। देखिए चरवन को, देखिए चरवन को बेचारा ये सब भी सब सफाई कर रहा है लगे हैं। ये इतने सारे सामान पड़े इस चज्जी पे, ये सारे को निकालना है और अच्छे से इसकी सफाई करनी है, झाड़ पोछ करनी है। ये स्पेशल मैंने मार्स से मंगवाया था 20,000 करोड़ का। Hey guys, good morning, नमस्ते, राम राम, गुड हलगे, कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ मेरे एक और से नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खैरियत से होंगे। तो मुझे दोस्तों रांची से आए हुए करीब दो तीन दिन हो गए और आज तक मेरा सर दर्द दे रहा है, सर्दी हो रही है और तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी आज फिलहाल ठीक है, बुखार नहीं है, सिर्फ सर दर्द है। और दीपावली भी करीब आ रही है, घर की साफ़ सफाई भी करनी है, तो वो सारे काम भी करने हैं। हालांकि मम्मी घर में काम कर रही है, वो दो तीन रूम साफ़ कर दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक रूम का जो सामान है वो निकला हुआ है। मेरा रूम साफ़ नहीं हुआ है और ये और भी बहुत काम है। हल्की हल्की ठंडी है तो जैसे ही धूप होगी, ठंडी कम होगी तो मैं भी काम करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि इस रूम में काम बहुत ज़्यादा है। वो ऊपर वाला जो देख रहे हैं छज्जे, उसके अंदर भी सामान है, ये ट्रंक हो गया, ये अलमीरा हो गया, इसमें ढेर सारे सामान है। तो दोस्तों मैंने ब्रश कर लिया है और सबसे पहले मैं खाना खाऊंगा, और खाना मैंने निकाल के रख लिया है वहाँ पे, और खाना खा करके मैं शुरुआत करूँगा उस वाले छज्जे से। तो दोस्तों मैं खाना वाना खा लिया हूँ और मैं अपने काम में भिड़ गया हूँ। मैं फ़िलहाल बैठा हूँ छज्जी पे रूम नीचे और यहीं पे बैठा हूँ, नीरज का वेट कर रहा हूँ। नीरज के मदद से काम करूँगा, कुछ सामान उतारने हैं। कुछ क्या, ये इतने सारे सामान पड़े इस छज्जी पे, ये सारे को निकालना है और अच्छे से इसकी सफाई करनी है, झाड़ पोछ करनी है और फिर इसके नीचे वो सारे काम करने हैं। तो पहले तो मैं यहाँ का करूँगा। तो ऊपर से दोस्तों मैंने लगभग आधा से ज़्यादा सामान निकाल दिया है, इसलिए क्योंकि पूरा भरा पड़ा था और साफ सफाई करने के लिए उतारना पड़ा। बाकी ये सारे इधर सामान देख सकते हैं, ये लोहा लक्कड़ और ये नीचे, ये सारे साफ करने हैं। तो दोस्तों रूम में जो भी सामान था उसको मैं बाहर कर दिया हूँ और जो ऊपर रखने का सामान है वो अभी यहीं पे है। जैसे ये देख रहे हैं ये बड़ा वाला गोनी वगैरह है, इसमें सब बर्तन वगैरह है, तो इसको अच्छे से साफ करके फिर ऊपर ही रखूँगा। और जो बाहर रखने की चीज़ें हैं उसको बाहर कर दिया हूँ, धो धा के उसको भी बाहर वाले उस एक बड़ा वाला रूम है उसमें शिफ्ट कर दूंगा। और ये मेरा आज का आउटफिट है, देसी जुगाड़, बाल बचाने के लिए, नाक और मुंह बचाने के लिए। मेरे साथ हेल्प करने के लिए वीर जुड़ा हुआ है। तो अभी लाइन बहुत कट रहा है, काट काट के दे रहा है, काट काट के दे रहा है। तो अभी दिया है तो ब्लाउज बना रहा हूँ, काट देता है तो बाहर वाला काम करता हूँ जा करके। तो पहले वो बाहर वाला कुछ काम कर लिया हूँ, अब जाता हूँ डायरेक्ट ऊपर का काम करता हूँ, क्योंकि लाइट आ गई है, फिर ऊपर के बाद करके फिर मैं नीचे काम करूँगा। एरा पकड़ दे, एरा नहीं, ये वाला पकड़। दोस्तों ये जो पाइप वाला लेंथ है ना, इसको नीचे उतारूंगा। तो पहले तो इसको हटा देता हूँ, पता नहीं सब कहा था, पकड़ इसको, इसको भी उतारूंगा। दोस्तों बहुत भारी नहीं है, अच्छे से खाली पकड़ूंगा। अभी फिलहाल दोस्तों क्या करूँगा, इस रूम में जो भी जाले वगैरह है उसको साफ करूँगा। तो अभी दोस्तों जा रहे हैं वीर के घर, श्याम के घर, वो जाला झाड़ने वाला लाने। तो अभी लाओ जाल झाड़े वाला दे। तो अरे इस सब भी जाल सफाई कर रहा है, देखिए चरवन को, देखिए चरवन को
बेचारा इस सब भी सब सफाई कर रहा है लगे है। अरे वाह क्या बात है, वीर के घर भी सफाई हो रही है। और ये मेरा हथियार, इससे जा रहा है सफाई करने। तो मैंने अब ऊपर झाड़ दिया जाले वगैरह, अब क्या करूँगा इसको पानी से धोऊंगा। उसके लिए दोस्तों मैंने पलंग को वो ढक दिया है ताकि ज़्यादा पानी ना गिरे और इसका सरमाइका ख़राब ना हो जाए, प्लाईवुड ख़राब ना हो जाए। फिर धोने के बाद इसको हटा करके पलंग को पोछूंगा, अच्छे से साफ करके पोछ के साफ करूँगा। और तो चलते हैं इस रूम को धोते हैं, पानी मैंने ला के रख लिया है और पानी लाऊंगा धोऊंगा बाल्टी से। तो करते हैं इसको, फिर पानी से धोते हैं। तो दोस्तों उस ट्रंक को मैंने खाली कर लिया है और ये सामान इधर इतना, अब इसको क्या करूँगा, पहले तो उसको साफ़ करूँगा, पोंछ दूँगा, फिर एक एक करके अच्छे से सजा करके, सरिया करके, फोल्ड कर करके उसमें रखूँगा। तो पहले उसको साफ़ कर लेता हूँ और फिर इस सारे सामान को इसमें डालूंगा। ये बिल्कुल खाली कर, ये पोछने के लिए कपड़ा डाला है मैंने, इसको पोछता हूँ और फिर करता हूँ इसको अच्छे से। दूल्हे वाला टोपी, yes। तो दोस्तों इसको करते हैं सफाई, इसको पोछते हैं। राजा का चूड़ी वगैरह इसमें है, तो पहले तो क्या करेंगे, ये सारे चीज जो निकालने की चीजें हैं वो निकाल देंगे, फिर अंदर से इसको पोछेंगे। ये का लेखा ले आखे तुरु तुरु, ये को ले को लेखा, सारे कपड़े भी निकाल रहे हैं ताकि इसको कल धो दो, इसको भी सब करके रख रहे हैं कल धोगा, इसकी तरह लपेट कर देंगे कल धोने के लिए। बाकी अब ये फोटो वगैरह भी लगा दिए मैंने, अब इसको पलंग को पोछना है और दरवाजा और खिड़की पोछना है और बाकी नीचे से धोना है, बाकी काम खत्म इस रूम का। तो ये दोस्तों पलंग साफ करने जा रहे हैं, ये सारा का सारा गंदा है, मेहनत बहुत लग रहा है करने में। तो चलते हैं धीरे धीरे सारा काम, बाकी सारा सामान काजल का ही है। तो चलते हैं धीरे धीरे शुरू हो गया। तो दोस्तों अंदर से मैंने ये साफ कर दिया, पोछ दिया, अब क्या करूँगा वो सारे जो बैग हैं उस सारे बैग को पोछूंगा अच्छे से, गंदा हो चुका है, धूल पड़ा हुआ ज़्यादा, तो उसको धो पोछ करके इसमें रखेंगे और जो धोने लायक सामान उसको धोएंगे, क्योंकि वो अगर धो नहीं सकते एक बैग इधर वाला उसको धो धुलवा देंगे, बाकी रखते हैं। इसमें दोस्तों काजल का लहंगा है इसका बैग नहीं है, पोंछ पोंछ के रख दिया इधर। एक ये वाला है, इसमें काजल का सिर्फ श्रृंगार प्रकार वाला है,
इसको धोना पड़ेगा दोस्तों, गंदा है तो इसको क्या करेंगे ना, इसको निकाल देते हैं, एसी में रख देते हैं। ये देखिए 45 लाख करोड़ का ये होता है। और बताता हूँ 4,500 करोड़ का, 5 लाख करोड़ का। ये स्पेशल मैंने मार्स से मंगवाया था, 20,000 करोड़ का। ये अभी भी पैक्ड है, हम मुझे नहीं पता कितने का है, लेकिन जब ये करोड़ों में है तो ये भी करोड़ों में ही होगा। तो इसको देते हैं धुलने के लिए, लो बाहर रख दो, उसमें जो कपड़े में लपेट के रखे ना धुलने के लिए उसी में डाल दो। तो ये अंदर से हो गया, अब इसको बाहर बाहर से पोछेंगे। इससे पहले ये वाला इसका जो प्लाईवुड है इसको पोंछ करके अच्छे से इस पर रखेंगे। और ये मिठाई, पापा आए हैं आज दिल्ली से तो वो मिठाई है, तो इसमें हम भी रोटियां तीनों मिल के खाएंगे। तो पहले तो हम दिखा के खाएंगे श्याम को। तो वो खा पा लो बे। बाकी हम लोग खा कर करते हैं। इसको भी अच्छे से दोस्तों, इसको भी जरूरी है धोना, पूछना धोना नहीं धो देंगे तब तो काम हो गया मेरा। तो दोस्तों हमारा रूम का काम हो गया, ये जो लॉबी है थोड़ा है इसको करेंगे जाला से, जाला साफ से, और फिर इसको कर करके नीचे धोना है, तो जल्दी से इसको जाला साफ करेंगे और फिर नीचे धो देंगे आज ही, और बाकी बचेगा कल कपड़े धोने का काम करूँगा। तो जो भी है आज खत्म कर देंगे धोने का काम, कल कपड़ा धोएंगे। तो चलते हैं इसको पहले साफ करते हैं। अब दोस्तों जाला वाला झाड़ लिया ये सारे, और ये सारे लॉबी में अब क्या करूँगा कि सारे को पानी से धोऊँगा। पर्दा भी नहीं खोला है क्योंकि फिर पर्दा निकाल दूँगा तो फिर वो धोया हुआ गेट फिर गंदा हो जाएगा। तो अभी पर्दे ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर्दा भीगेगा तो कोई बात नहीं। तो पानी मारते हैं, और पानी मारने के बाद ये पर्दा खोल दूँगा कल धोने के लिए। तो दोस्तों काम हो गया है लगभग पूरा, बस क्या करना है नीचे धोना है, फ्लोर धोना है। और मेरे साथ है श्याम, वीर बाहर गया है, दोनों मेरा पूरा साथ दे रहा है। मेरे तरफ से एक मिठाई और ढेर सारा थैंक यू। तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, थक गया हूँ। लाइट दी हुई है, मोटर चालू करूँगा और नीचे का फ्लोर धोऊँगा, और बाकी धोने का काम कम्प्लीट हो जाएगा। बस कल कपड़ा धोना है ढेर सारा।
दोस्तों धोने का काम खत्म हो गया, थक गए पूरा एकदम। अब जा रहे जल्दी से नहाएंगे, आराम करेंगे, चलते हैं। मम्मी वहाँ काम करके फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर जल्दी से नहाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे, मिलते हैं नहाने के बाद। तो दोस्तों मैं नहा लिया, नहा के रेडी हो गया, काफ़ी थका हूँ, इधर बेड भी लगा लिया हूँ ताकि आराम करूँ। तो अब करते हैं थोड़ा रेस्ट, खाएंगे बाद में। शाम भी हो गई है, काम करते करते शाम भी हो गई। And thanks to Shyam Kumar, he helped me too much. बहुत ज़्यादा इसने मेरी मदद करी है, बेर भी किया, तो थैंक यू, थैंक यू श्याम। चल गया इसे कर, तो आराम करते हैं दोस्तों बेड पे, फिर खाएंगे थोड़ी देर बाद, खाएंगे। पता नहीं खाना है भी कि नहीं, मुझे नहीं पता, किचन में देखा तक नहीं है। तो आराम करने के बाद थोड़ी देर बाद खाऊंगा और खाते समय मिलता हूँ आपसे दोस्तों। फिलहाल तो मैं आराम करता हूँ। तो दोस्तों अभी रात के बज रहे 9:30, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, ये 9:30 बज रहे हैं। और जैसे ही आराम करने के लिए लेटा था, मुझे नींद आ गई, शरीर में दर्द है। और अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले, खाना वाला ले कर के लाया हूँ, उसमें सब्जी और रोटी है, तो अभी खाऊंगा और खा करके आज ये जो वीडियोस बनाया हूँ उसको एडिटिंग करूँगा। और देखते हैं, नींद तो लगभग पूरी हो रखी है, अभी नींद नहीं आ रही है, तो जब तक जगूंगा तब तक वीडियो एडिटिंग करूँगा और फिर सो जाऊँगा। पहले तो खाना खा लेता हूँ। तो ये वाला वीडियो दोस्तों यहीं तक रोकते हैं और मिलते हैं एक और से नए वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय, गुड नाइट।